हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज अभी शाम हो रही है, शाम का 5 बज रहा है और आज हम लोग को जाना है एक पार्टी में। एक्चुअली वो एक मेरी आंटी हैं, उनके नाती का मीन्स ग्रैंड सन इन लॉ का मुंडन हुआ था, तो उसी की पार्टी है। और आज है आपका 11 दिसंबर, तो अब लगन भी मीन्स बस 1-2 दिन लगन है, फिर तो 13 के बाद ख़त्म ही हो जाएगी। तो फिर उसके बाद कोई पार्टी वगैरह मिलेगी भी नहीं, बहुत मिलेगी तो बर्थडे पार्टी मिलेगी। ये शादी और ये सब मतलब जो भी हम मतलब हिंदुओं में जो भी शुभ काम होते हैं उसकी पार्टी तो अब मिलनी नहीं है। 2-3 दिन बाद फिर जनवरी में स्टार्ट होगी, तो आज वाली पार्टी हम लोग मिस नहीं करेंगे। और अब कुछ ही देर में अभी जाएंगे, फिर रेडी होंगे क्योंकि शाम में वही 7 बजे तक जाना है। तो अभी जाएंगे, फिर रेडी होंगे, फिर मिलते हैं आपसे रेडी होने के बाद। ये घर पे काजल बन रहा है घरेलू नुस्खे से। बाबू काजल लगाएगा? बाबू को नजर लग रही है क्या? तो ऐसे अच्छा? भी लगाया जाता है क्या? तो माँ ऐसे भी लगाया जाता है? ऐसे भी लगाया जाता है पक्का? अच्छा बन गया? नहीं, कह दो अभी अच्छे से मिलेगा। ये क्या है? ये आँख में डालने वाली दवा होती है ना। अच्छा। ये आँख ठंडा रखती है। अच्छा। काजल में क्या क्या पड़ा है ये भी जानना होगा। काजल में हम तो वैसे आपकी पहली बार थोड़ा सा अजवाइन डाले हैं और देसी घी डाल के दिए में बाती डाल के लगा के फिर वो बना दिए हैं। अच्छा। हमारा काजल के ऊपर ये प्लेट रख दिए थे दिए के ऊपर, तो जलते जलते पूरा इस पे काजल बन गया था। आधा घंटा मुश्किल से लगा था। अच्छा, इसमें देसी घी और वो दवा पड़ रही है। हाँ, अभी अगर नहीं होगा इतने से थोड़ा सा देसी घी भी पिघला के डाला जाएगा ताकि अच्छे से काजल। और फिर बाबू लगा लेगा, है ना? बाबू का कजरोटी का आज बाबू का मूड बहुत अपसेट है क्योंकि आज बाबू का दांत दर्द हो रहा है। इसका नया दांत आ रहा है, चौबड़ आ रहा है, इसलिए बाबू आज बहुत रो रहा है। बाबू बाबू अब ठीक हो? ये क्या कर रहे हो? हम तो रेडी हो गए। और ठंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप जाते हैं तो स्वेटर पहन के जाना होता है, तो उसके साथ मैचिंग का मिले ना मिले, फीमेल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। बाकी मम्मी भी रेडी हो गई हैं। मम्मी इधर पे, मम्मी भी रेडी हो गई हैं। और ये मम्मी का कपड़ा जब हम लोग एनिवर्सरी के लिए लेने गए थे तो ये मम्मी खुद से ली थी, मीन्स पापा के साइड से ली थी। तो ये बहुत ही अच्छा सेट है, अभी आपको इसका पूरा लुक देंगे। और ये बाबू भी रेडी हो चुका है। बाबू की कैप तो बहुत अच्छी लग रही है ना? बाबू की कैप अच्छी लग रही है ना? हेलो कर दो। हेलो हेलो। बाबू कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है बाबू? बाबू को पता ही नहीं कहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पार्टी में जा रहा है। तो हम ही लोग जा रहे हैं, बाकी दीदी सेकंड वाली और पापा भी जा रहे हैं। तो अब कुछ देर में फिर ड्राइवर आएंगे, फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो ये मम्मी का ये कपड़ा है, मम्मी जो आपको बताया वो मम्मी ली थी। ये कुर्ती है, कुर्ती और इस पे जैकेट भी ऊपर है, प्लस ये जैगिंस है। ये वुलन जैगिंस है ना? ये वुलन जैगिंस है, तो यही ऊपर से नीचे का इतना बढ़िया येलो का आ रहा है। काफ़ी सही कपड़ा मिल गया, एकदम मैचिंग मैचिंग हो गया। ओ, ये मेरा बाबू है। बाबू कैप दे दो। बाबू बाबू कैप दे दो। दोगे कैप? ओए तुम तो एकदम मिक्की माउस लग रहे हो। और अब निकल रहे हैं और ड्राइवर भैया आ गए, तो फिर आपको वहां का फिर नजारा दिखाएंगे। पार्टी होगी तो एक तो गाना चलेगा, तो पूरा तो मतलब जो बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। हाँ, कहीं अगर बोलने का मौका मिला तो बोल देंगे, अगर शांति रही तो। बाकी फिर वहाँ क्या क्या होगा वो तो सबको पता है पार्टी में क्या क्या होता है, लेकिन चलिए मतलब अलग अलग जगह की अलग अलग पार्टी होती है, तो यहाँ की पार्टी देख लीजिए।
बाबू अब घर चला जाए, खा लिए ना, अब खा लिए, अब हम लोग जा रहे हैं घर, घर चला जाए ना। अब हम लोग निकल के बाहर और 10:30 भी हो रहा है तो घर जा रहे हैं। मम्मी भी आ गई, ये लोग हैं, बाकी अभी तक पापा नहीं आए, पापा का वेट कर रहे हैं। अब हम लोग घर आ चुके हैं और मजा तो बहुत आया, बाबू को भी खूब मजा आया। बाबू बस बैठे बैठे खड़े खड़े बस डांस कर रहा था। तो आज के ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक तो कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। बाय बाय एंड गुड नाइट।